उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है देहरादून से। देहरादून पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। राजपुर से प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं सचिन पायलट। घंटाघर स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पलटन बाजार में सचिन पायलट ने लोगों से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, वहां पर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता सचिन पायलट, और राजपुर से प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। घंटाघर स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और पलटन बाजार में जाकर के सचिन पायलट ने लोगों से भी मुलाकात की है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी यहां पर है। पार्टी का झंडा लेकर के लगातार समर्थन में नारेबाजी यहां पर हो रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड का रण जीतना भी बहुत अहम है। सीधी टक्कर भाजपा के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सचिन पायलट। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। हर बार ही ऐसा होता है कि विधायकों के राय सुन लीजिए, आप सवाल पूछ लेना। विधायक जीतने के बाद चर्चा करते हैं, ऑब्जर्वर्स आते हैं, और हर एक विधायक से चर्चा करने के बाद पार्टी का नेतृत्व और विधायकों की जो मंशा होती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है, और उत्तराखंड में भी ठीक इसी प्रकार से काम हो। जब हमारी पार्टी किसी बात की घोषणा कर रही है तो ऐसा नहीं है कि हमने सरकार पहले नहीं चलाई है उत्तराखंड या केंद्र के अंदर, तो कुछ अनुभव तो संगठन को भी है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने जो बात रखी है, लिखित में रखी है, हम पूरा करेंगे इस बात को। हम तो लिखित में कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो सात साल सत्ता में है उनसे पूछना चाहिए ना कि खाते में 15 लाख रुपये कब आएंगे, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे। लोगों ने कहा कि बड़े लीडर कांग्रेस बीजेपी से यूपी में डिफेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर पार्टीज, लेकिन कांग्रेस में भी बड़े बड़े जो यूथ आइकन माने जाते थे, आरपीएन सिंह हुए, सिंधिया जी हुए, और आपके बारे में भी कहा जाता था कि यू आर अबाउट टू चेंज साइड्स, लीडरशिप में क्या कमी आ रही है कि कोई क्या अफवाह फैलाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है और राज्य में ऐसा कोई दल नहीं है जहां चुनाव से पहले लोग पार्टियां बदलते छोड़ते नहीं है। तो अक्सर सचिन पायलट राजस्थान भाजपा पर हमलावर दिखाई देते हैं। अब जाहिर सी बात है, चुनाव है, उनकी मौजूदगी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड भाजपा पर वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर है, मोहन से दूर होगी मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या। ये बड़ी खबर है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कही 80 लाख रुपए देने की बात। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सांसद निधि से 80 लाख रुपए देने की बात कही है अनिल बलूनी ने। निर्वाचन आयोग से इजाजत मिलते ही शुरू होगा काम, उन्होंने ये भी कहा। मोहन क्षेत्र में लगाए जाएंगे 5 मोबाइल टावर। जो समस्या वहां पर आती है मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर, वो समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। लीगल प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि भाई क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो हम यहाँ पर इतने महंगे टावर लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल आ रहा है। तो मैंने जो टेलीकॉम कंपनीज है मैंने उनसे एक ऑफर किया था कि भाई अगर ऐसा है तो उत्तराखंड की जो जनता है जो वहाँ से जाएगी उसको हम लोग उनके इस हक को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो मैंने आग्रह किया था कि टावर मैं अपने सांसद निधि से लगा दूँ, और मैं कहीं पिछले लंबे समय से टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ और बाकी लोगों के साथ इसके लिए बातचीत कर रहा था। तो अभी मुझे कहा गया है कि हम लोग अब तैयार हैं, BSNL भी तैयार है कि आप अपने सांसद निधि से लगा दी जाए। तो मैं अभी एक बार इलेक्शन कमीशन से एक बार बात करके कि क्या मैं अपनी सांसद निधि इस वक्त दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। अगर दे सकता हूँगा तो मैं अभी तुरंत दे दूँगा, वरना आचार संहिता समाप्त होते ही मैं अपने सांसद निधि से वहाँ पर 5 टावर लगाने की जो खर्चा आएगा वो मैं अपने सांसद निधि से